ये वीडियो है उन सब जवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनके शरीर में आज की डेट में उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी है, जिनके बाल अभी काले हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, जिनकी नजर सही है। इंसान की जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, उस पड़ाव में आज आप हो। ये जो जवानी का टाइम है, कुछ भी पॉसिबल करने का जो ये टाइम है, ये सिर्फ कुछ साल और रहेगा, उसके बाद आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो आपसे दूर होता जाएगा, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते जाएंगे। आज आपके जो भी सपने हैं, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, आपके इन टारगेट्स पर काम करने के लिए इससे बेहतर समय आपको पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। आपको पैशन और डिस्ट्रेक्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए ना, उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी काम या तो इसी उम्र में हुए हैं या फिर इसी उम्र में उनका बीज डाला गया था। आज अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जो एक गिफ्ट के तौर पे ऊपर वाले ने आपको दिया है। आज अगर आप आलस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू के विचारों के भंवर में फंसे हुए हो, तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जवानी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें आप जैसा काम करोगे वो ये निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। इस जवानी में जितने रिस्क ले सकते हो उतने रिस्क आप पूरी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। जितने सही और गलत काम इस उम्र में कर सकते हो उतने पूरी उम्र में नहीं कर पाओगे, लेकिन आज जो सही और गलत करोगे ना, उसका फल आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आज इस उम्र में जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो वो आप पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने सपनों के ऊपर। एंड बिकॉज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। आपके पास में नॉलेज आएगा ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन के बिना। इसलिए आज आप जितना सीख रहे हो ना, वो इस जिंदगी में सबसे ज्यादा बार काम आने वाला ज्ञान है। वैसे तो जिंदगी आपको हर वक्त नया सबक सिखाती रहेगी, लेकिन उन सभी सबक में ये जो आज का आपका नॉलेज है ना, ये जो आपका आज का नॉलेज का फाउंडेशन है, वो बहुत बार काम आएगा। आज आप अपना जैसा चरित्र बनाओगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी जिंदगी भर रहेगी। और जब इतना कुछ हो सकता है जवानी में, जो जवान जो यूथ ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैं उसको इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ मत करो, समझने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कुछ मत समझो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, जो जिंदगी है ना वो आपको अपने आप समझा देगी। यार आज आप जो भी काम करोगे ना मन लगा के, आज आपका जो भी सपना है, जहां पर भी आप अपने आप को पूरी जिंदगी भर में देखना चाहते हो, उसके लिए तैयारी करने का आज से बेहतर समय और कभी नहीं हो सकता। कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, उन सबको एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपका जिस भी फील्ड में पैशन है, जिस काम को आप पूरी जिंदगी भर कर सकते हो, उसको चुन कर और अपनी मेहनत की धुन पर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि महान व्यक्ति हर फील्ड में होते हैं। कहने का मतलब है कि हर फील्ड आपको नाम, पहचान और पैसा सब दिला सकता है, आपको सुकून दिला सकता है। फाइंड आउट योर पैशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपकी मंजिल आप अचीव ना कर लो। जब आप बीमार होते हो तो शायद ठीक से आप नींद भी नहीं ले पाते, और हो सकता है कि शायद आपकी रात को 3 बजे आंख भी खुल जाती होगी। तो जब आपको कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको नींद से दूर कर सकती है, तो आपके सपने को क्यों नहीं अधिकार वो दे रहे हो जो आपको जगा सकता है, आपको खुद को जगा सकता है। एक बार खुद पे ट्रस्ट करके तो देखो, एक बार खुद को जीत करके तो देखो, एक बार अपने दिल की धड़कन महसूस करके देखो, एक बार किसी टारगेट को अपना बना करके देखो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक आपको ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो खुद पहले अपनी करते हैं। ऊपर वाला उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो खुद चलने के इच्छुक होते हैं और कदम बढ़ाते हैं। अगर यकीन ना हो आपको तो कभी जिंदगी में मुझसे मिलना, मैं बताऊंगा कि कैसे जब आंखों में सपने होते हैं तो आंखों के सामने जो चाय रखी होती ना वो भी ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाय से ज्यादा ताकत तो आपको सपनों को पाने का हौसला ही दे जाता है। मेरे दोस्त, इस जवानी को बेकार मत कर। ये जिंदगी है ना, जब चलने लगती है ना तो बुढ़ापा सट से आ जाता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कल को मेरी आंखों के सामने थे लेकिन आज नहीं है। उनकी आवाज, उनका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कल थे लेकिन आज नहीं है, या हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप खो दो, जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, क्योंकि ये समय है, चलता रहता है। जब जिंदगी अपनी रफ्तार पे आती है ना, तो फिर टाइम नहीं बचता भाई। इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका टाइम बैलेंस जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। हम सब की डेथ होनी है एक दिन, उस दिन आप वापस इस ब्रह्मांड में मिल जाओगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि जब आप ऊपर से देखो तो पाओ कि कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको मिस कर रही है।
क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम हो सचिन तेंदुलकर की तरह, डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह, एमएस धोनी की तरह, अक्षय कुमार की तरह? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जिंदगी जीने के जो सबूत है वो इस दुनिया में तब भी रहे जब आप यहाँ से चले जाओ? आपके मन की जो ताकत है ना, यही आपकी जिंदगी है, और आपके मन की कमजोरी आपकी मौत है। मौत आने से पहले ही वो इंसान मर जाता है जो अपने मन से ही हार मान लेता है। आज आपका जिस भी वजह से समय बर्बाद हो रहा है, उस आदत को छोड़ने का वक्त आ गया है। आज आपका जिस भी गलत विचार की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसको छोड़ने का वक्त आ गया। जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको उस टाइम पे क्या दिखता है? आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखते होंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। इन द सेम वे हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो कैपेसिटी है, वो भी इनफाइनाइट है। हम सिर्फ अपनी वजह से, अपने कुछ छोटे छोटे सुखों की वजह से आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। आज इस जवानी के बेस्ट टाइम में आप चाहो तो दिन में 10 घंटे मोबाइल पे गेम खेलो, दारू पियो, पार्टी करो, टाइम वेस्ट करो। जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है यार, एक बार सोचो, जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? फिलहाल आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके माँ बाप को तकलीफ हो रही होगी, या उनको होने वाली होगी जब उनको पता लगेगा, या आप उनकी आंखों के सामने जब बर्बाद हो जाओगे। जब आपकी शादी होगी तो आपके लाइफ पार्टनर को दिक्कत होगी, आपकी फैमिली को दिक्कत होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी, और जिस समय आप सुधरने की सोचोगे तब तक समय जा चुका होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्यों धकेल रहे हो अपने आप को उस कंडीशन में जब आप इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी पाओगे? इसलिए आपको अभी बदलना होगा। क्रिएट योर ओन इमरजेंसी। मैं हर बार कहता हूँ, आपको अपनी एक इमरजेंसी क्रिएट करनी है, इमरजेंसी टू वर्क हार्ड। जैसे डॉक्टर के पास कोई इमरजेंसी आती है ना तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता, उसी तरह से आपके पास भी समय की कमी है। अगर आज आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ रहा ना, तो रिस्क लो। जिंदगी में रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्क उठाना सक्सेसफुल होगा तो आप जीत ही जाओगे। अगर नहीं भी होगा, अगर आप रिस्क उठाने के बाद जीत नहीं पाओगे, तो आपको अनुभव मिलेगा। उस अनुभव को आप इस दुनिया में बांट सकते हो, इस दुनिया को आप गाइड कर सकते हो। आज आप जवानी के जिस मोड़ पे हो, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे रीजन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती है। कोई भी आपको कुछ भी बिना मांगे गाइडेंस देता रहता है। ये आप पर है कि आपके लिए क्या सही है। लाइफ में ग्रो करने के लिए पहले आपको अपने आप को थॉट्स में ग्रो करना पड़ेगा, अपने विचारों में अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा। और थॉट्स में ग्रो करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जिस तरह से आप जिम जाते हो, अच्छा खाते हो, नहाते धोते हो, अच्छा दिखने के लिए, फिट रहने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग बने रहने के लिए मेहनत करते हो, उसी तरह से आपको अपने थॉट सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में केवल पॉजिटिव थॉट्स को भरना पड़ेगा, उसको फिट रखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, फिजिकली तो हर कोई फिट होना चाहता है, लेकिन मेंटली कई बीमारियां, कई लफड़े पाल रखे हैं आपने। अपने आप को कमजोर समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। जिस तरह से आत्महत्या करना पाप है ना, उसी तरह से खुद को छोटा सोचना भी पाप है। प्रॉब्लम्स आएगी, आती रहेगी, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट द लाइफ। आपके विचार ही आपकी जिंदगी है। मैंने कई लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, वो कितना रोते रहते हैं, बात बात पर रोते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है। अपनी किस्मत को ब्लेम करने वाले से बड़ा पापी इस दुनिया में मैं किसी को नहीं मानता। जो नकारात्मक सोच रखता है ना, उससे पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि उसकी सोच उसको किसी ना किसी दिन वो गलत काम जरूर करवाएगी, उसको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए आज जो आपका जवानी का टाइम है, आज जो आप इतने जवान हो, इसको एक वरदान समझ के आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। क्योंकि आज आप दर्द उठा सकते हो, आज शायद आपको केवल मेंटल पेन ही होगा, लेकिन बुढ़ापे में आपको बहुत तरह के दर्द होंगे, और उनमें से जो सबसे बड़ा दर्द होगा ना, वो होगा आपके दिल के अंदर, आपके पछतावे का दर्द। सो लेट्स बिगिन, लेट्स थिंक बिग, लेट्स अचीव आवर ड्रीम्स। यस यस, इट्स पॉसिबल। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में ना देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।